नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज आपको एक यूएसए की गन दिखाएंगे जिस पर मैंने पहले कोई वीडियो नहीं बनाई है। यूएसए मेड विंचेस्टर, यह विंचेस्टर 37 मॉडल शॉट गन सिंगल शॉट। इन्हें विंचेस्टर द्वारा डिज़ाइन किया गया और 1936 से 1963 तक ये गन्स बनाई गई। 12, 16, 20, 28 और 410 गेज में ये गन्स बनाई गई। 10,15,554 यूनिट्स इसकी कुल मिलाकर बनाई गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट नेशनल गार्ड इन बंदूकों का इस्तेमाल किया करते थे। 32 इंच बैरल लेंथ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मेड इन यूएसए विंचेस्टर, यह है मेरे हाथ में। अब यह बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में गन है। अभी इस पे ब्राउनिंग वगैरह करेंगे, इसका बट वगैरह सब ओरिजिनल है अभी। और इसकी खास बात बताऊं, एक तो ये 32 इंच बैरल लेंथ में है। ज़्यादातर ये 30 इंच बैरल लेंथ रहती है, लेकिन ये 32 इंच बैरल लेंथ है। और यहाँ आप इसका पढ़ सकते हैं विंचेस्टर, ये नाम ही बहुत मशहूर है। और जहाँ तक इसकी चौक की बात है, ये भी चौक है। और ये लीवर इसका खोलने के लिए, यहाँ से बैरल कंडीशन बहुत ही अच्छी। बिल्कुल शीशे की तरह चमचमाती हुई बैरल, बिल्कुल नई। और एक खास बात जो हाथ में गन को पकड़ते मुझे महसूस हो रही है, वो है इसका, ये जो इसका हैंड गार्ड है, ये बहुत ही खास है और काफ़ी चौड़ा है ये। अब इधर किधर इसको देखें, पूरा मेरा हाथ इस पे आ रहा है, हालांकि मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है साइज में। और इसको जब हम पकड़ रहे हैं तो ग्रिप की साथ की बहुत मजबूत ग्रिप बन रही है। और ये भी नॉन इजेक्टर है, तो ये मैं एक डमी कारतूस इसमें डाल के बताता हूँ। ये नॉन इजेक्टर है और ये इसका हैमर वाली गन आई है विद हैमर। तीन किलो के लगभग होनी चाहिए, हाँ लगभग 3 किलो आई है, 50 ग्राम कम है। दोस्तों, ये थी हमारी विंचेस्टर पे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।